हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। और मैं ब्लॉग की अब मेरी की स्टार्टिंग हो चुकी है। अब मुझे खाना बनाना है। आज खाना सिर्फ दो लोगों के लिए बनेगा, मेरे लिए और जय के लिए। और रियो के लिए मैंने खाना बना के रख दिया है। और आज रियो की होगी क्लीनिंग, क्योंकि आज रियो को नहलाया जाएगा। रियो को आए हुए 15 दिन होने को है, तो मैंने सोचा आज इनको नहलाते, पहले अपन लोग चलते हैं किचन में और खाना बनाते। कद्दू की सब्जी, लेकिन हमारे यहाँ मीठा कद्दू बनता है, उसमें चीनी डाल के। और हम फटाफट से कद्दू छोंक दें, क्योंकि अभी जय एक कोचिंग पढ़ के आया है 9:30 से 10:30 की, और अब वो फिर जाएगा 1:30 बजे, फिर आएगा 5 बजे। इसलिए जल्दी से हम खाना बना दें, जिससे कि खाना बन जाएगा तो वो खाना खा के चला जाएगा। प्याज रह गई इसमें कटनी पड़ी। अब इसमें प्याज भूनती है, तब तक अब हम इसमें कद्दू डाल दें। कद्दू हमने धो के रख दिए। चीनी भी हम अभी डाल देंगे। और इसमें हम नमक और डाल रहे हैं, नमक डालिए। इसमें थोड़ा सा पानी डाल के हम इसको ढक के रख देंगे। रोटियां भी हमारी सिक रही है साथ में, इधर सब्जी बन रही है और इधर रोटियां सेक रही है फटाफट से। जल्दी से जय को खाना दे रही, क्योंकि जय कोचिंग निकल जाएगा, शाम के आएगा। और अभी हम लोगों को रियो को नहलाना है, देखते क्या कैसे हो। अभी सब्जी हमारी पूरी बनी नहीं है, और हमने सारे बर्तन भी धो के रख दिए हैं। रोटियां बन चुकी हैं और बर्तन धुल चुके हैं। अब रियो के लिए देखते हैं, पानी गर्म हो गया होगा तो हम रियो को नहलाने जाते हैं। रियो को नहलाना स्टार्ट हो रहा है। रियो नहा रहे हैं। पानी गर्म कर लिया है हमने, ठंडे पानी से नहीं नहला रहे। वो देखो आराम से खड़ा है, अभी तो नहीं कुछ कर रहा है, फिर पता नहीं। कहाँ बज रहा है यार, अबे थोड़ू तुम्हें भजन दो जे। आज करेंगे हम अपनी फ्रिज क्लीन। फ्रिज का सामान बाहर निकाल दें, उसका मैंने वायर वगैरह सब कुछ निकाल दिया है, क्योंकि करंट वरेंट का डर रहता है। फ्रिज को साफ कर दें, इसका सारा सामान खाली कर दिया। दूध वगैरह इधर रखते हैं। थोड़ी बहुत सब्जी डली है, कुछ ज्यादा नहीं है। इनको की खाली करें, फ्रिज खाली ही हो गई है लगभग। ये
फ्रिज के कवर हैं, इनको मैंने निर्मा के पानी में डुबो लिया है, जैसे कि ये साफ हो जाए तो इनको हम धूप में डालेंगे, जल्दी से सूख जाएंगे। ये फ्रिज के अंदर बिछाने वाली मैटे हैं, इनकी वजह से फ्रिज ज्यादा गंदी नहीं होती। और क्लीन कर दें जिससे कि ये चमक जाए, अंदर तो कॉलिंग से साफ नहीं कर सकते ना। देखिए फ्रिज हमारी पूरी क्लीन हो चुकी है, ये देखिए। अब मैं इसमें मैट बिछाती हूँ फ्रिज की। फ्रिज के ऊपर वाला कलर सूखा नहीं है, वो कवर सूखा नहीं है, वो भी सूख जाएगा। और ये इसको सब्जी वगैरह रखेंगे, देखो वो भी रख दूं, ये सॉस वगैरह है, ये बच्चों का ही सामान है सारा, इसको इसमें रख दें। ये कड़ी पत्ता है, हरी मिर्ची का डिब्बा है, इमली है, धनिया भी अभी मुझे साफ करनी है, उसको भी इसमें रखें। दूध वगैरह की भगोनी और रखते हैं इसमें। देखिए फ्रिज एकदम क्लीन हो चुकी है हमारी, बिल्कुल क्लीन। इधर का सामान पूरा सेट कर दिया है। नींबू इसलिए काट के रखते हैं क्योंकि नींबू से फ्रिज में स्मेल नहीं आती, इसमें अदरक है, इसमें मिर्ची है, इसमें नींबू रहते हैं, और इसीलिए हमने काट के रख दिए है क्योंकि जिससे कि फ्रिज में स्मेल ना आए। इसमें कड़ी पत्ता स्टोर करके रखते हैं इसमें वो, और ये वो है चॉकलेट सीरम वगैरह है, रूह अफ़ज़ा की बोतल है, पानी भरना तो बंद ही कर दिया है इसमें अभी। हाय गाइस, मैं आप लोगों से अभी मिल रही हूँ, सारे दिन से मतलब सुबह खाना पीना बनाया और फिर थोड़ा सा वो रियो को नहलाया क्योंकि आज धूप अच्छी थी, तो मैंने सोचा आज इसको नहला दूँ क्योंकि फिर पता नहीं धूप अच्छी निकलेगी या नहीं निकलेगी। और फ्रिज की भी क्लीनिंग करनी थी तो फ्रिज की बिल्कुल डीप क्लीनिंग हो चुकी है, फ्रिज भी हमारी क्लीन हो चुकी है। और फिर हमने सुबह जी टॉयलेट वगैरह साफ़ की थी, तो फिर दो वॉशरूम भी साफ की हमने, कि वॉशरूम का क्या दिखाना है रूटीन में, लेकिन देखते हैं। अभी तो हमारे यहाँ एक वॉशरूम और रह गई है, दो हुई हैं, मतलब एक यूज नहीं होती है, बाहर वाली जैसे नीचे जो वॉशरूम है वो यूज होती है जब कोई गेस्ट आता है, और ऊपर जो रूम में है वो तो होती है, ऊपर वाली सबसे ऊपर वाली जो हमने बताई थी आपको स्टोर रूम में, वो हमारी सबसे ज़्यादा यूज होती है, तो कल मैं उसकी क्लीनिंग करूँगी। और आपको टाइल्स देख के यही लगेगा जैसे कि एक ही वॉशरूम है, लेकिन ऐसा नहीं है, डुप्लेक्स का मकान है, मतलब दो मंजिल मकान है, चार लेट बाथ हैं, चारों लेट बाथ में एक ही सेम टाइल्स लगी हैं। और अगर आपको यकीन नहीं होगा तो मैं गेट से पहचान बता दूँ क्योंकि मैंने एक ही कलर की टाइल्स लगवाई हैं, मैंने कोई झंझट नहीं रखा है, और फ्लोर में भी एक ही टाइल्स लगी है, किचन में भी एक ही कलर की टाइल्स लगी हैं और एक ही कलर की पुताई हुई है। और आज का ब्लॉग आपको हमारा कैसा लगा है, अगर आपको हमारा ब्लॉग पसंद आ रहा है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, और जो हमसे न्यू लोग जुड़ रहे हैं वो लोग भी सब्सक्राइब करें क्योंकि जो सब्सक्राइबर हैं हमारे अपने वो तो ब्लॉग देखते ही हैं, और जो न्यू लोग देख रहे हैं वो लोग भी सब्सक्राइब करें क्योंकि हमारे लिए सभी लोग एक बराबर हैं। और इसी के साथ हमारे ब्लॉग का एंड होता है, और जो हमारे सब्सक्राइबर हैं उनके लिए भी बहुत थैंक यू, और जो मतलब न्यू लोग हैं जो हमारे ब्लॉग को
देख रहे हैं उनके लिए भी थैंक यू, दोनों ही लोगों के लिए बहुत 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 थैंक यू। और आप सबका मुझे प्यार ऐसा ही मिलता रहे। और ब्लॉग का एंड करते हैं, थैंक यू।